एवरीवन, साइंस वन लेसन नंबर टू, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दिस इज 18th वीडियो ऑफ दिस लेसन एंड 8th पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इन दिस वीडियो विल सी द ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था वैलेंसी। ग्रुप वाइज जाएंगे तो वैलेंसी सेम रहती है, अगर पीरियड वाइज जाएंगे तो वैलेंसी कैसी रहती है, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। तो मैं ग्रुप वन लेती हूँ। ग्रुप वन में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके मैंने एटॉमिक नंबर भी लिखे हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का दो शेल, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 1। एंड पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड शेल में 8 एंड लास्ट शेल में, यानी कि फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इधर आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाला है। तो इससे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि एटॉमिक साइज इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। जो एटॉमिक साइड हम साइज रहती है वो रेडियस से इंटीग्रेट करते हैं। अभी एटॉमिक रेडियस यानी क्या? एटॉमिक रेडियस यानी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एंड द इट आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। ओके, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस जो बीच में का रहता है, ये सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड अभी यहाँ पे दो शेल है तो आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल है तो ये हो गया ये न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, इनका ये जो डिस्टेंस रहता है इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ओके, और एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज। ये जो एटॉमिक रेडियस रहती है वो उसका यूनिट है पिकोमीटर। ओके, पिकोमीटर, पीएम। ओके, एंड विच इज स्मॉलर देन नैनोमीटर। वन पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर। ओके, तो ये लास्ट शेल एंड न्यूक्लियस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, वही रहता है एटॉमिक साइज। तो देखो ये है फर्स्ट, मैं एलिमेंट लेती हूँ फर्स्ट ग्रुप का। जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। देखो इधर एक शेल है, इधर दो शेल है, और नीचे जाएंगे तो 1, 2, 3 तीन शेल हो गए, और नीचे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो इन दोनों का डिस्टेंस देखो, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इतना डिस्टेंस है। ओके, इसका देखो ये न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ इससे, यस। ये देखो ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज आउटर मोस्ट शेल, ये जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज। ये न्यूक्लियस है एंड ये आउटर मोस्ट शेल, ये जो डिस्टेंस है दैट इज एटॉमिक साइज। जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये साइज जो रेडियस है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मींस हम ग्रुप के एलिमेंट्स के जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसका एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका साइज कम है, इससे ज्यादा लिथियम का ज्यादा है, लिथियम से सोडियम का ज्यादा है, और सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज, एटॉमिक साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ओके, अभी हम पीरियड का देखते हैं। अगर हम पीरियड वाइज जाएंगे, ओके, ग्रुप यानि वर्टिकल लाइन एंड पीरियड यानि हॉरिजॉन्टल लाइन। पीरियड वाइज जाएंगे, मैंने ये थर्ड पीरियड लिया है,
ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर है एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी मैंने इधर लिखा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे हर एलिमेंट में 1 2 3 तीन ही शेल है, 1 2 3 थ्री ही शेल है, 1 2 3 तीन ही शेल है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन तीन ही शेल्स हैं। तो तीन तीन ही शेल हैं मींस ये आउटर मोस्ट शेल एंड ये न्यूक्लियस, इसका डिस्टेंस सेम ही है क्योंकि 1 2 3 1 2 3 तीन तीन ही शेल है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इधर एक ही है, इधर दो है, इधर तीन है, इधर चार है, इधर पांच है। जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे पीरियड वाइज, वैसे वैसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट शेल में वन है, फर्स्ट एलिमेंट में लास्ट शेल में वन है, उसके बाद टू है, थ्री है, फोर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज रहेगा 11, यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा 11, प्लस चार्ज 11 रहेगा क्योंकि आपको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो प्लस चार्ज भी कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इनका अट्रैक्शन, लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा, इसलिए इसकी साइज ज्यादा रहेगी। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े ज्यादा हुए हैं, दो है आउटर मोस्ट शेल में, तो यहाँ पे 12 है, प्लस चार्जेस 12 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 12 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड एल्यूमिनियम, यहाँ पे 13, प्लस चार्जेस कितने हैं, 13 है, और आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ा और ज्यादा रहेगा, इससे यहाँ पे ज्यादा रहेगा, इसमें थोड़ा इधर बहुत कम अट्रैक्शन रहेगा, इधर ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, इधर और ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बाकी के ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, और आगे जाएंगे यहाँ पे, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे 14 एटॉमिक नंबर है तो प्लस चार्जेस भी 14 है, यहाँ पे चार्जेस प्लस 14 है, और आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा साइड। इधर आउटर मोस्ट शेल में आगे देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस चार्जेस, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो ये जो साइज है वो छोटा होगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। और आगे जाएंगे इधर क्लोरीन का देखते, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 17 प्लस चार्जेस, ये प्लस चार्जेस और ये आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है इनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, तो साइज क्या होगी, कम होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे कम अट्रैक्शन है, इधर ज्यादा, जैसे जैसे जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज कम कम होगी बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से एटॉमिक साइज कम होगी। सो पीरियड वाइज जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। ओके, अगर पीरियड वाइज जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, एंड ग्रुप वाइज जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने वाले हैं, इसलिए अगर हम नीचे नीचे जाएंगे ग्रुप के तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, और पीरियड के लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। तो इस वीडियो में हमने देखा एटॉमिक साइज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। थैंक यू।